बादलपुर को नहीं बदल पाई मायावती। लोकसभा चुनाव में चलेगा माया का जादू। बादलपुर की बेटी का यूपी की सत्ता पर था दबदबा। बीएसपी सत्ता में डूबी तो बादलपुर बनता गया नर्क। विकास के इंतजार में मायावती का गांव। देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री बनी एक महिला, जिसने अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी कायम की कि गुंडों और बदमाशों की हालत खराब कर दी थी। लेकिन वही मुख्यमंत्री अपने गांव को सवार नहीं पाई। प्रदेश में विकास के दावे किए लेकिन अपने पैतृक गांव को विकास तक नहीं पहुंचा पाई। मुख्यमंत्री बदलते गए लेकिन सबने इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया। विकास के दावे आज भी हो रहे हैं लेकिन यहां विकास दिखाई नहीं देता है। मानो कि ये गांव किसी को दिखता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की, जिनको लेकर दूसरी पार्टियां कहती हैं कि उनका राजनीतिक सूरज डूब चुका है। वहीं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में अकेले मैदान में हैं और अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर चार चार बार बैठ चुकी मायावती के शासन में पूरे यूपी में उनका डंका बजता था। प्रदेश का कायाकल्प करने की ठान लेने वाली मायावती अपने पैतृक गांव बादलपुर के लिए विकास के कई काम किए थे, लेकिन फिर भी आज बादलपुर के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि जब मायावती सत्ता से उतरी तो दूसरी पार्टी ने उनके साथ ही नहीं बल्कि उनके पैतृक गांव के साथ भी राजनीति करते हुए सौतेलो जैसा व्यवहार किया, विकास को दूर कर दिया। वही मायावती के कार्यकाल की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिले का बादलपुर वीवीआईपी गांव की लिस्ट में शामिल हुआ करता था। विकास की हर योजना सबसे पहले बादलपुर पहुंचती थी, लेकिन अब हालात उल्टा है। योजनाएं ठप पड़ी हैं, पूरा गांव अनदेखी का दर्द झेल रहा है। मायावती के राज में सब गांव को चमकाने में लगे रहते थे। 24 घंटे बिजली और पानी उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। स्कूलों के हालात खराब हैं, जो पार्क बने हैं उनमें बैठने के लिए भी जगह नहीं है। वहीं जब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार बनी तो इन दोनों ने अपने गांव सैफई को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बादलपुर और सैफई दोनों ही पश्चिमी यूपी के गांव हैं, लेकिन जब इटावा का सैफई का रुख किया जाता है तो वहां मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, डिग्री कॉलेज, तहसील के साथ साथ विकास खंड कार्यालय, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस गाँव की शोभा बढ़ा देता है। वही मायावती के मूर्तियों के निर्माण में शायद गांव का विकास पीछे छूट गया, लेकिन अब मायावती ने अपनी पुरानी गलतियों को सही करने के लिए चुनावी रण में तैयार है और आज उनका गांव उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि मायावती आएंगी तो विकास भी आएगा। मायावती का सियासी सफर संघर्षों से भरा हुआ था, ऐसे में वो हार मानने वालों में से नहीं है। मायावती का 15 जनवरी 1956 में जन्म नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभु दयाल के यहाँ हुआ था। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। पिता डाक विभाग में काम करते थे। मायावती पढ़ने में काफी अच्छी थी और आईएएस बनना चाहती थी। इस बीच मायावती की मुलाकात कांशीराम से हुई और कांशीराम मायावती के बोलने की शैली और उनकी राजनीतिक समझ से काफी प्रभावित थे। कांशीराम को मालूम हुआ कि मायावती आईएएस बनना चाहती हैं। फिर उन्होंने मायावती से कहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस अधिकारी की एक पूरी कतार तुम्हारे सामने तुम्हारे आदेश का इंतजार करती रहेगी। इसके बाद वो कांशीराम से जुड़ गए। 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उस समय के तत्कालीन पीएम पीवी नरसिंह राव ने उन्हें लोकतंत्र का करिश्मा कहा था। 1997-2007 में मुख्यमंत्री बनी, लेकिन दलित मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ मायावती का सियासी जादू था कि यूपी की वो पहली सीएम बनी जिन्होंने पूरे 5 साल तक अपना कार्यकाल चलाया था। 2007 से 2012 तक का कार्यकाल मायावती ने चलाया, लेकिन फिर मायावती का ग्राफ गिरता चला गया। लेकिन फिर भी मायावती करिश्मा करने के लिए फिर से 2024 के रण में तैयार है और उनके गांव के लोग भी उनके करिश्मे का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।